वेलकम बैक एस ए ड्रेन के हम अब लास्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं. दैट इज द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड रेन या सॉल्यूशंस टू एसिड रेन और टू द थ्रेट्स ऑफ एसिड रेन जो पोज की जाती हैं. सॉल्यूशंस की तरफ चलें तो सबसे पहला एक सॉल्यूशन आ जाता है, दैट इज द क्लीनिंग अप ऑफ एग्जॉस्ट पाइप्स एंड स्मोक स्टैक्स. अब अगर आप थोड़ा सा रिविजिट करें, मैंने आपको बताया कि आपके एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के अंदर आपकी फैक्ट्रीज, आपके ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ये बड़े मेजर पोल्यूटर्स हैं और इनकी जो पोल्यूशन है उसके अंदर एक बहुत बड़ा चंक है ऑफ सल्फेट पोल्यूशन एंड नाइट्रेट पोल्यूशन. तो इन्हीं को डील करने के लिए आपके पास जो है, आप कह लें इनके जो एग्जॉस्ट पाइप्स हैं और स्टैक्स हैं, उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की गई ताकि आपकी ये जो इमिशंस हैं इनके अंदर बतदरीज कमी लाई जा सके. ठीक है, तो हमें पता है कि बर्निंग कोल लार्जली अकाउंट्स फॉर सल्फेट इमिशंस, वाइल नॉक्स इमिशंस आर मोस्टली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंबशंस. कोल भी आपका फॉसिल फ्यूल ही है, हाइड्रोकार्बन की फॉर्म है. असेंशली हाइड्रोकार्बन है जो कि सल्फेट और नॉक्स की इमिशंस का बायस बन रहा है. तो स्क्रबर्स आपके इस्तेमाल होते हैं इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. स्क्रबर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, स्क्रबर्स ऑल्सो कॉल्ड फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टिपिकली वर्क फॉर टू केमिकली एलिमिनेट SO2 फ्रॉम द गैसेज लीविंग स्मोक स्टैक्स इन इंडस्ट्रीज. ये इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए खसूसन इस्तेमाल होते हैं स्क्रबर्स. स्क्रबर्स क्या होते हैं, आपकी जो स्मोक स्टैक होती है, आपकी जो स्मोक स्टैक है फॉर इंस्टेंस ये है, इसके अंदर बीच में करके इन लोगों ने यहाँ पे ऐसे करके स्क्रबर्स लगाए होते हैं. ठीक है, और इन स्क्रबर्स का बड़ा खसूसन ही काम होता है कि इन्होंने हवा की रोटेशन इस तरह से करनी होती है कि हवा में मुहल्लक ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपकी उस स्क्रबर की जो पेरिफ्रीज है और पेरीमीटर है उसके साथ अटैच हो जाए, और हवा जो है वो एक क्लीनर वर्जन ऑफ दैट एयर दैट लीव्स दी चिमनी रादर देन अ पोल्यूटेड फॉर्म ऑफ एयर इंक्लूडिंग सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स. ठीक है, असेंशली ये होता है स्क्रबर्स के अंदर. इसकी जो एफिकेसी है दैट इज 95%, इसकी एफिशिएंसी कह लें, एफिकेसी कह लें, 95% ऑफ SO2 गैसेस जो हैं वो आपके स्क्रबर्स जो हैं वो रिमूव कर देते होते हैं. सिमिलरली अगर हम बात करें नॉक्स इमिशंस की, जो कि अमूमन हमें ऑटोमोबाइल्स के थ्रू नज़र आती है, ऑटोमोबाइल में आपकी नॉक्स इमिशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उनको जो है डील करने के लिए आपके कैटलिटिक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, कैटलिटिक कन्वर्टर्स क्या कहते हैं, वही बात, आपके नॉक्स जो है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और किस से न्यूट्रलाइज करते हैं, वो N2 बना देंगे नॉक्स को, यानी नॉक्स आपकी इस तरह है ना, तो वो इसको डिसइंटीग्रेट करके नाइट्रोजन बना देंगे, ऑक्सीजन बना देंगे. ठीक है, इस तरह करते हैं आपके ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स. इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं, मैं पहले आपको कैटालिटिक कन्वर्टर्स का बता दूं. अब ये देखिए, आपकी इनटेक हो रही है, आपके CH का मतलब हाइड्रोकार्बन है, कार्बन मोनोक्साइड है, नॉक्स है और ऑक्सीजन है. ये आपके आ रही हैं फ्यूल की कंबशन की वजह से, आपकी गाड़ी के जो फ्यूल है उसकी कंबशन की वजह से ये हवाएं जो हैं ये खारिज हो रही हैं. अब ये एंटर होती हैं आपके इस कैटलिटिक कन्वर्टर के अंदर. ठीक है, तो आपका एक जगह, अब इसको आप रहने दें, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, रिडक्शन भी नहीं आप लिखें, ऑक्सीडेशन भी ना लिखें, आप बस इनके ऊपर गौर करें. नॉक्स और कार्बन मोनोक्साइड जो है इसकी होती है रिडक्शन, और ये आपका बन जाता है N2+ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड को कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर. दूसरी तरफ आपको हाइड्रोकार्बन्स को और कार्बन मोनोक्साइड को और ऑक्सीजन को वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी कन्वर्ट कर रहे होते हैं. सो ये रिएक्शंस हैं खातिनो हजरात, जो कि आपके लिए बहुत बहुत अहमियत के हामिल हैं, और ये आपको याद होने ज़रूरी हैं, तो इनको आप लोग नोट डाउन कर लें. अब जब ये बन गया तो अब आप देख सकते हैं N2 इज़ नॉट हैजर्डस. N2 की वजह से आपकी एसिड रेन नहीं हो रही, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपकी एसिड रेन हो रही है. कार्बन डाइऑक्साइड का मसला ये आ जाता है कि हाँ ठीक है ये ग्रीन हाउस गैस है, बट आपकी एसिड रेन नहीं हो रही, तो अभी हम एसिड रेन से हमारा मतलब है, तो मैं एसिड रेन की बात करें तो उस लिहाज से हमें ये मसला नहीं दरपेश हो रहा. दूसरी तरफ देखें तो पानी आपका रिलीज हो रहा है, वही बात, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. सो ऑल इन ऑल कोई भी ऐसी गैस रिलीज नहीं हो रही जो कि आपका एसिड रेन का बायस बन सकती है. तो कैटलिटिक कन्वर्टर्स क्या करते हैं, कैटलिटिक कन्वर्टर्स एसिड रेन की मुनासिबत से जो हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं वो इस तरह से हैं
चूंकि ये नॉक्स को कन्वर्ट कर देते हैं इन N2 विच इज़ अ वेरी डोसाइल गैस, इसका कोई एसिड रिएक्शन हमें होता हुआ नजर ही नजर आता, कोई हार्मफुल गैस नहीं है आपकी। 71% जो एयर की कंपोजिशन वो है ही नाइट्रोजन के ऊपर मबनी। स्क्रबर्स की अगर बात करें तो मैं आपको बता था ना कि हवा को ऐसे से वो रोटेट करते हैं कि आपकी जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल्स और आपकी सल्फेट और सल्फेट जो हैं सॉक्स जो हैं वो आपके सिलेंडर की इस दीवारी के साथ लगते जाते हैं और फिर हवा क्लीन निकलती है। क्या हो रहा है, स्क्रबिंग लिक्विड है, इनलेट है आपकी क्या कहते हैं, यहाँ से आपकी डर्टी गैस इट कम्स इन, ये लिक्विड की इंटेक होती है, इसको एक लिक्विड के थ्रू पास करवाते हैं गैस को, एंड देन साइक्लोनिक सेपरेटर के अंदर गैस आके आपके, आप ये देख सकते हैं ना ये डॉट डॉट से आपके सारे वो सेपरेट आपके वो सारे गैस पार्टिकल्स हैं जो कि आपके ये सिलेंडर की वॉल के साथ लगना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ दी वर्किंग ऑफ अ स्क्रबर एंड अ कैटालिटिक कन्वर्टर। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड पे एक स्लरी से निकल जाती है, स्लरी इज़ द डिपोजिशन जो कि हो रही होती है ऑफ दिस सॉक्स एंड नॉक्स, खसूसन सॉक्स, ठीक है, तो उसकी ये डिपोजिशन हो जाती है एंड आपकी क्लीन गैस जो है वो इधर ऊपर की तरफ से बाहर निकल जाती है। फिर अगर दूसरी सतह के ऊपर बात करें, ये तो हमने एक डायरेक्ट अप्रोच लगाया ना जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी अडेप्टेशन अप्रोच थी, ठीक है। अगर हम मिटिगेशन अप्रोच की बात करें, ठीक है, अगर आपको याद हो क्लाइमेट चेंज से ज़रा याद रखें मिटिगेशन अप्रोच और अडेप्टेशन अप्रोच, तो पिछली जो थी ये अडेप्टेशन अप्रोच थी, एक मसला है उसके साथ हमने अडेप्ट करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिटिगेशन अप्रोच की, एंड दैट इज दी ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। पिछली वीडियो में पिछली पिक्चर में आप देख सकते हैं आपकी ऑल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर हमेशा से एम्फोसिस रहा है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, आपके जितने भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन हमें नजर आता है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक बहुत अहम गोल है ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी को मुतारिफ करवा देते हैं और आप हाइड्रोकार्बन्स को डिसोसिएट कर देते हैं और डिसप्लेस कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी रिलीज हो रही है सल्फेट्स नाइट्रेट्स फॉर दैट मैटर इवन कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके अंदर हमें कमी नजर आएगी। एंड दिस इज वाई वी एडवोकेट एज एनवायरमेंटलिस्ट, आप लोग भी एडवोकेट करेंगे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को। किसी भी ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के अंदर आपकी सॉक्स की इमिशन एसेज नहीं हो रही होती है, ठीक है। दिस इज वाई वी से कि आपके यहाँ जो है क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है इसको और आम फहम होने की जरूरत है। आखिरी सोल्यूशन की तरफ चलें तो वो आ जाता है आपका डैमेज कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो अडेप्टेशन अप्रोच, ठीक है। तो दो आपके अडेप्टेशन अप्रोचेस हम देखें और एक अब आपकी मिटिगेटरी अप्रोच देखें। रिस्टोरिंग डैमेज इन्वायरमेंट्स किस तरह से, अब आपको पता है कि एसिडिक हो गई है सॉइल है वो एसिडिक है, पानी है वो एसिडिक है, ठीक है, आपकी हवा है वो एसिडिक है, ठीक है। अब एसिडिटी क्या होती है उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया कि आपकी पीएच जो है इट इज लेस देन 7, ठीक है, इट इज लेस देन 7। जब पीएच आपकी लेस देन 7 है तो वो एसिडिक है और एसिडिन आपकी पीएच को 7 से नीचे ही लेके जा रही होती है, ये बात क्लियर है। अच्छा अब हम इसका तरीके का क्या है, अब हम कोई ऐसी चीज लेके आए जो कि न्यूट्रलाइज कर दे एसिड को, न्यूट्रलाइज का मतलब यानी एसिड का जो इम्पैक्ट है या एसिड का जो असर है उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे, उसको काउंटर करे। तो काउंटर क्या करती है, एसिड को काउंटर करता है अल्कली, ठीक है, अल्कली ये आपका एसिड का काउंटर है। अब किसी भी अल्कलाइन चीज को आप डालना शुरू करते हैं सॉइल के अंदर वाटर के अंदर, ठीक है, जो जो भी जगह एसिडिक है उधर आप अल्कली डालना शुरू कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो है क्या कहते हैं आपके एसिडिक एनवायरनमेंट को वो न्यूट्रलाइज कर देगा। अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है, अब मैंने आपको बताया लाइमस्टोन जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम सल्फेट बनाता है, जब ये कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं तो हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है कि आपका जो लाइमस्टोन का स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको असूली तौर पे देखें तो वो एसिड के इफेक्ट को भी खत्म कर देता है, यानी वो एसिड को भी डिसोसिएट करता है। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट है इसमें आपको कोई एसिड तो नहीं नजर आ ना, H2SO4 नहीं नजर आ रहा, यानी वो एसिड को भी खत्म कर देता है। तो इसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन तमाम एरियाज के अंदर जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है,
ठीक है, और इससे फिर हम अपने एसिड का जो इम्पैक्ट है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो मिसाल ले लेते हैं, कोई ऐसी सॉइल है जो कि एसिडिक है और उसकी वजह से वो लीचिंग हो गई है, तो वहाँ पे आप कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम डाल दें। लाइम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एसिडिक इफेक्ट था वो ख़त्म हो जाएगा, और आपके जो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे मौजूद थे और जो कि एसिड की वजह से मुतासर हो रहे थे वो अब सेफ होंगे। इन द सेम मैनर अगर आप पानी को देख लें, पानी अगर आपको एसिडिक नज़र आ रहा है उसके अंदर आप लाइम डाल देंगे तो होगा क्या कि उसकी जो एसिडिक नेचर है उसको वो काउंटर करेगा और एसिड की जो मकदार है पानी के अंदर उसको वो कम कर देगा, और ऑटोमेटिकली आपकी पीएच जो होगी इट विल रिटर्न बैक टू 7 या एटलीस्ट इट विल कम नियर टू 7। ठीक है, तो असूली तौर पे हम रिस्टोर करते हैं डैमेज एनवायरमेंट्स को इस तरह से, आपकी लेक्स को और सॉइल को खसूसन, और आपके फॉरेस्ट और क्रॉप वेजिटेशन को तमाम को इस तरह से हम डील करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट डिक्रीजिंग द एसिडिटी। इसके साथ ही खातिनों हज़रात हमारा एसिड रेन का जो ये चैप्टर है या एसिड रेन के ऊपर जो हमारा पोल्यूशन का पहला एस्पेक्ट था वो इख्तिताम पजीर होता है, और अगले वीडियो से हम इंशाल्लाह यूट्रोफिकेशन को स्टार्ट करेंगे जो कि वाटर पोल्यूशन के अंदर एक बड़ा अहम एरिया है। पेपर के अंदर भी काफ़ी बार उसके ऊपर सवाल आया है, तो यूट्रोफिकेशन करते हैं नेक्स्ट, एंड फिर आगे हम चल सो चल लैंड बेस्ड और एयर बेस्ड पोल्यूशन की तरफ भी अपनी तवज्जोहात जो हैं उनको गामजन करेंगे। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूट्रोफिकेशन के साथ आपसे मुलाकात होती है। आप सबकी सवालों का बहुत बहुत शुक्रिया।